हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे ऑफ क्लास 5 हिंदी ग्रामर। बच्चों, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से बहुत सारे साउंड्स निकलते हैं, तो इन साउंड्स को क्या कहते हैं? इन साउंड्स को कहते हैं ध्वनि। ठीक है, तो इन ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं, यानी कि अक्षर कहलाते हैं, यानी कि आपका अल्फाबेट कहलाता है। देखिए उदाहरण, जैसे ये किताब है, किताब के देखिए कितने सारे वर्ण हैं। किताब में क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ, ये कितने वर्ड हो गए आपके? छः। छः वर्ण हैं, छः वर्णों को मिलकर एक किताब वर्ड बना, पूरा शब्द बन गया। पाठशाला, प प्लस आ प्लस द प्लस अ प्लस श प्लस आ प्लस ल प्लस आ, पाठशाला। ठीक है, मछली, मछली में कितने वर्ण हैं? म प्लस अ प्लस छ प्लस अ प्लस ल प्लस ई, मछली। कितने वर्ण हो गए? छः वर्ण। तो ये जो ध्वनियों का लिखित रूप है, ये ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। इनको अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनको और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, मतलब बहुत छोटे छोटे जो हमारे अक्षर होते हैं और उनको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे अ आ ई ई, जल्दी से निकलते हैं ना ये। हाँ, स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये चार हैं, अ ई उ री ऋषि। ठीक है, दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है, यानी कि डबल टाइम लगता है। और ये सात हैं, आ ई ऊ ए ओ और औ। प्लुत स्वर क्या होते हैं? इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, ट्रिपल टाइम लगता है। जैसे ओम, ओम के मिड में आप ये वाला वर्ड देख रहे हैं, यही प्लुत स्वर होता है। और ओम जो है वो एक ही है, प्लुत स्वर एक ही है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब व्यंजन पढ़ते हैं। जिस वर्ण को बोलने में दूसरे वर्ण की मदद लेनी पड़ती है, यानी कि हेल्प लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। क ख ग घ ड़। क में आपको अ सुनाई दे रहा है, अ का साउंड आ रहा है, तो यानी कि इसमें दूसरा वर्ण है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब व्यंजन है। हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण हैं अयोगवा, जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, वे अयोगवा कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है? इसका उच्चारण करते समय नाक से वायु निकलती है और मुख से कम। जैसे अंक, अंश, अंग, हंस आदि। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। जैसे चांद, दांत, हंसना, धसना, गांव आदि। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग स्वर के बाद आता है। ठीक है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे प्रातः, स्वतः, अतः, पुनः आदि। कुछ अन्य वर्ण रेफ की रेफ पढ़ेंगे अब। यह रे का ही रूप होता है और जिस वर्ण पर यह लगता है उससे पहले इसका उच्चारण होता है। जैसे कर्ण, धर्म, मर्म, दर्शन आदि। हलंत क्या होता है? हलंत स्वर रहित व्यंजन हलंत से दर्शाए जाते हैं। हलंत का चिन्ह ये होता है, नीचे डैश टाइप होता है, देखो, है ना, समझ में आ गया? ये ऐसे इस टाइप का वर्ड होता है। ठीक है, क ख ग घ। अब मैंने ऐसे क्यों पढ़ा क? क्योंकि क में जो है वो हलंत लगा हुआ है, यानी कि इसमें कोई स्वर नहीं लगा हुआ है। समझ में आ गया आप लोगों को? संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क प्लस श प्लस अ, श क्षत्रिय, कक्षा रक्षा।
ज प्लस ऐ प्लस अ ग ज्ञानी ज्ञानी यज्ञ त प्लस र प्लस अ त्र पत्र त्रिदेव श प्लस र प्लस अ श्र श्रम श्रवण। ठीक है, आजकल हिंदी में दूसरी भाषाओं के भी कुछ वर्ण प्रयोग में आ रहे हैं, इन्हें आगत वर्ण कहते हैं। अभी तक एक स्वर आगत है, स्वर ओ, इसको ओ कहते हैं। मात्रा देखो ऐसे चंद्र, आधा चंद्र, ठीक है, बिंदु नहीं लगेगा इस पर। कुछ उदाहरण देखिए इसके, डॉक्टर, कॉफ़ी, ऑफिस, हॉल, कॉल, डॉल, बॉल आदि। र के विभिन्न प्रयोग, जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ लिखा जाता है, मतलब जिसमें व्यंजन ना हो, तो वो क्या, हाँ कैसे लिखा जाता है, जैसे क प्लस र क्र क्रम, प प्लस र प्र प्रश्न। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? स्वर रहित र जब किसी व्यंजन से पहले हो, यानी कि पहले लगा हो, तो वह अपने अगले व्यंजन के ऊपर लग जाता है, जैसे ध प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ धर। कहाँ लगा र? म के आगे, है ना, समझ में आ गया? क प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ कर्म। प और ड के साथ र का प्रयोग इस रूप में होता है, नीचे ऐसे, ठीक है, एरो टाइप में, जैसे ड प्लस र प्लस म ड्रम, ट प्लस र प्लस क ट्रक। वर्णमाला सभी को पता है, वर्णों के समूह को निश्चित क्रम में लिखे जाने को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर, 35 व्यंजन, 3 अयोगा और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आगत एवं स्वीकृत रूप भी शामिल हैं। सभी का मैंने आपको सभी का वर्णन इसमें कर दिया है। देखिए अब मात्राएं देखिए कैसे यूज होती हैं। स्वरों का प्रयोग अधिकतम मात्रा के रूप में होता है, सभी को पता है, है ना, प्रत्येक स्वर की एक निश्चित मात्रा है, अ की कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। देखिए अ है, अ की कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा, ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, ठीक है, समझ में आ गया। अ में देखिए कमल सिंगल वर्ड है ना, कोई मात्रा नहीं है इसलिए कमल। आ की मात्रा काला, ई की मात्रा मिठाई, बड़ी की मात्रा सीता, छोटे की मात्रा कुली, बड़े की मात्रा चूना, री ऋषि की मात्रा कृष्ण, ए की मात्रा ठेला, आई की मात्रा मैला, ओ की मात्रा गोरा, औ की मात्रा कौतूहल, ठीक। र पर ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा क्या कैसे लगाई जाती है? र पर ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा अलग तरीके से लगती है, जैसे र पर ऊ छोटा ऊ, र प्लस ऊ रूप, रुपया, रुचि, रुकावट, रुझान। र पर बड़े ऊ की मात्रा र प्लस ऊ रू, रूप, शुरू, रूस, अमरूद। वर्ण विच्छेद क्या होते हैं? किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। विच्छेद मतलब टुकड़े करना, ठीक है, वर्ण मतलब अक्षर। देखिए जैसे बादल, बादल का अगर हमें वर्ण विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे? ब प्लस आ, बा के बाद कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा, तो ब से हमने आ को अलग कर दिया। द, द में क्या सुनाई दे रहा है? अ, तो द प्लस अ। ल, ल में क्या सुनाई दे रहा है? अ, ल प्लस अ, बादल, ठीक है, पैदल है। प पे कौन सी मात्रा लग रही है? बड़े की, प प्लस ए प्लस द प्लस अ प्लस ल प्लस अ, पैदल। इसी प्रकार से आप और भी अक्षरों के, और भी शब्दों के आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, और आप इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और अपने घर में सुरक्षित रहना। ओके, बाय।